वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास फाइव का। किसका? क्लास फाइव का इंग्लिश डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हम लोग पेज नंबर 10 करेंगे। पेज नंबर 10 करने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं इसमें आपको करना क्या है। यहाँ पर देखिए, कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स आपके दिए गए हैं, जो इनमें से आपको चुन करके लिखना है। ये क्या है? ये जैसे कि हमारे मदर है, फादर है, ग्रैंड मदर है, इन लोगों के द्वारा काम किया जाता है। कौन से काम हमारे घर में इन लोगों के लिए किया जाता है, वही काम चुन करके आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि हम सबसे पहले मदर का काम को लिखते हैं। मदर जो माँ होती है, वो क्या करती है? कुक फूड करती है, यानी कि खाना पकाती है, और मैनेज द होम, घर को मैनेज करती है। ये दो चीज़ यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है ना? एक में लिखना है, एक तरफ लिखना है आपको कुक फूड, और दूसरा लिखना है आपको मैनेज द होम, ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। मदर के लिए हो गया कुक फूड और मैनेज द होम। उसके बाद हम आते हैं फादर पे। फादर क्या करते हैं? तो फादर जाते हैं, गोज़ टू ऑफिस। फादर कहाँ जाते हैं? गोज़ टू ऑफिस, और अर्न्स मनी, यानी कि पैसे कमाते हैं। पापा ऑफिस भी जाते हैं और पैसे भी कमाते हैं। तो ये दो लाइन्स आपके फादर्स वाले कॉलम में जाने वाला है, ठीक है? उसके बाद है हमारा देखिएगा, उसके बाद है हमारा ग्रांड मदर। ग्रांड मदर कौन होती है? दादी होती है। ग्रांड मदर कौन होती है? दादी होती है। दादी क्या करती है? तो प्रिपेयर फॉर स्कूल। दादी जो है हमें स्कूल के लिए प्रिपेयर करती है। दादी क्या करती है? स्कूल के लिए प्रिपेयर करती है, ठीक है ना? और क्या करती है बताइए? टेल एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी, देखिए यहाँ पर है ना, टेल एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी, यानी कि दादी जो है हमें स्कूल के लिए तैयार करती है। पहला, दूसरा क्या करती है? अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है। तो जल्दी से बच्चों, इन सब तीनों के आंसर्स को आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला जो है वो क्या है, देखिए, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर क्या करता है, ठीक है? तो ग्रैंडफादर क्या करता है? तो ग्रैंडफादर हमारा जो है हेल्प्स टू डू होमवर्क, हमारे होमवर्क को बनाने में मदद करती हैं, और ड्रॉप्स एट स्कूल, हमें स्कूल तक छोड़ते हैं। यानी दादा हमारे होमवर्क बनाने में मदद करते हैं और हमें रोज़ स्कूल छोड़ते हैं। उसके बाद है हमारे ब्रदर एंड सिस्टर। ब्रदर सिस्टर क्या करते हैं? ब्रिंग्स टू, बताइए ब्रदर सिस्टर क्या करते हैं? तो ब्रदर सिस्टर्स हमारे लिए टॉफ़ी लाया करते हैं। क्या करते हैं? ब्रदर सिस्टर्स हमारे लिए टॉफ़ी लाते हैं, ठीक है ना? तो आप यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं, ब्रिंग्स टॉफ़ी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है हमारा, फाइंड द अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम दिस पोयम, यानी कि इन सब वर्ड्स का आपको पोयम से अपोजिट वर्ड्स खोजना है, ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहला कौन है? शॉर्ट्स। शॉर्ट्स का क्या होगा बताइए? शॉर्ट्स का हो जाएगा लॉन्ग, एल ओ एन जी, एल ओ एन जी, लॉन्ग। अच्छा, डार्क का बताइए, डार्क का क्या होने वाला है? तो डार्क का होता है लाइट, एल आई जी एच टी, लाइट। डार्क का क्या होगा? लाइट। एवेक, एवेक का बताइए, एवेक मतलब होता है जागना, तो उसका हो जाएगा स्लिप, एस एल डबल ई पी, स्लिप, ठीक है? बैड, बैड का क्या होगा बताइए? बैड का हो जाएगा गुड, जी डबल ओ डी, गुड, ठीक है? और एवरीथिंग, एवरीथिंग का क्या होता है बताइए? एवरीथिंग को हो जाएगा नथिंग, एन ओ टी एच आई एन जी, नथिंग, ठीक है? एवरीथिंग का आपको लिख देना है नथिंग। उम्मीद है बच्चों आपको आज का ये क्लास बिल्कुल पसंद आया है। क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम लेकर आते हैं आप ही की क्लास का एक न्यू वीडियोस हर रोज़। दोस्त बच्चों, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात भी है कि हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है MD2M। आप YouTube पे जा कर के इसे सर्च कीजिएगा MD2M, तो आपके लिए वहाँ पर एक नया चैनल खुलकर सामने आएगा, ठीक है ना? ये चैनल मेरा ही है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैनल है। इसमें आपको फैक्ट, नॉलेज और साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बताया जाता है। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर से जुड़िए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा MD2M। MD2M लिख करके आप सर्च कीजिएगा, आपके सामने चैनल आ जाएगा, ठीक है ना? तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।